की, आसिफ की, ये वो तीन प्लेयर्स हैं कि इन तीन प्लेयर्स में अगर आपको कोई भी एक प्लेयर चल देता है तो वो मैच आपको चेंज करके दे सकता है। तो हमारे पास ये जो कॉम्बिनेशन है, आई नो कि अभी उन्होंने वो परफॉर्म नहीं किया जो करना चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन तीन लड़कों का जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा है। लाला के शासन में आने का कोई है? नहीं, मेरा अभी तक कोई प्लान नहीं है। रमजान का महीना है, वेलफेयर के लिए कुछ बता दीजिए, फाउंडेशन कुछ कर रही है? फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह, स्कूल्स वगैरह चल रहे हैं, पानी के प्रोजेक्ट्स काफ़ी चल रहे हैं। अब हम हेल्थ हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं कि लोग बेचारे जो दूर दूर से शहर नहीं आ सकते इलाज के लिए, अब हम खुद जो हमारी मोबाइल हेल्थ हॉस्पिटल है वो उनके पास खुद जाती है। नहीं, मेरा पॉलिटिक्स केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर की सीट भी खाली है। नहीं, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं, मैं सिर्फ एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा वो कहता हूँ कि कोई भी हुकूमत आए एटलीस्ट उसको 5 साल देने चाहिए और उसी 5 साल की परफॉर्मेंस पे ही आवाम के पास जाके वोट के लिए जाना चाहिए। मेरे ख्याल में देखिए, कानून जो है वो एक छोटे आदमी के लिए भी है और बड़ा सा बड़ा ताकतवर आदमी उसके लिए भी सेम कानून होने चाहिए। अपनी मर्जी से कानून बनाना, अपनी मर्जी से कानून को तोड़ना, ये समझ नहीं है। अगर हम देखा जाए तो इस वक्त मेरे ख्याल में 130वें नंबर पे हैं हमारे मुसलमान। जो नॉन मुस्लिम थे वो मुसलमान इसलिए हुए क्योंकि उन्हें मुसलमानों का इंसाफ का तरीका पसंद आया। आज हमारी जुडिशरी जो है वो दुनिया में 130वें नंबर पे, हमारा इंसाफ का लेवल किधर खड़ा है, ये सोचने की बात है।